वर्ष 2019 में एक भर्ती आती है, रेलवे की भर्ती आती है। उस रेलवे की भर्ती में कुल सीटें रहती हैं 1,03,769 और उसमें 1,15,00,000 विद्यार्थी आवेदन करते हैं। यह आंकड़ा मैं गूगल से बता रहा हूँ। तो आज हम उन 1,15,00,000 विद्यार्थियों के लिए कुछ मोटिवेशन देना चाहते हैं और ग्रुप डी में जाने के बाद किस तरह से सुविधाएं मिलती हैं रहने के लिए, क्वार्टर्स कैसे मिलती हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। और हमारे एक व्यूअर ने हमें कमेंट करके जानना चाहा है कि रेलवे क्वार्टर्स कैसा होता है ग्रुप डी के लिए। इससे पहले मैंने ग्रुप सी के लिए बना दिया हूँ, यदि आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं ग्रुप डी के लिए कैसी क्वार्टर्स मिलती है, रेलवे किस तरह से सुविधाएं देती है रहने के लिए। तो चलिए हमारे साथ बिना देर करते हुए चलते हैं। दोस्तों, ग्रुप डी में 1,15,00,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है और इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए। अभी आप जो क्वार्टर देख रहे हैं पीछे, यह क्वार्टर्स ग्रुप डी का है और ग्रुप डी का यही क्वार्टर्स मिलता है आपको। हम आज शुरू से लास्ट तक दिखाएंगे कितना रूम रहता है सोने के लिए, किचन रहता है और कितना जगह मिलता है आगे और पीछे, सभी आपको हम डिटेल्स में दिखाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं शुरुआत से और हम बाहर से एंट्री करेंगे और बाहर से एंट्री करके आपको हम दिखाते हैं। बहुत सारे इधर क्वार्टर्स बना हुआ है आसपास में, आप एक क्वार्टर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको कि कैसा क्वार्टर्स होता है। देखिए पूरा एक लाइन से पूरा क्वार्टर्स है। फिलहाल हम एक क्वार्टर्स हम दिखाने वाले हैं, चलिए हम अंदर चलते हैं। अंदर चलने के बाद यह क्वार्टर्स टाइप 1 है। टाइप 2 का मैं वीडियो बना चुका हूँ और देख लीजिएगा, आप कंपेरिजन कर सकते हैं क्या भिन्नताएँ हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हम एंट्री करते हैं अंदर। अंदर आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस और रहता है जहाँ आप बाइक लगा सकते हैं, साइकिल लगा सकते हैं। अब हम और अंदर प्रवेश करते हैं। अब अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। जिनका एक क्वार्टर्स है वो अभी भी पढ़ाई करते हैं, देख सकते हैं आप, किताब सामने पड़ी हुई है बहुत सारी किताब। लास्ट भर्ती जो ग्रुप डी की आई थी उसी में ज्वाइन किए थे। यह मुख्य रूप से सोने वाला रूम हो गया। ऊपर फैन लगा हुआ है, फैन मिल जाता है, रेलवे देता है फैन, पानी और क्वार्टर्स, और बिजली बिल आपको देना पड़ेगा। और फिर हम आगे जाते हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे किचन बना हुआ है, ये किचन बना हुआ है। यहाँ पे खाना बनाने के लिए किचन दिया हुआ है। अब हम किचन के इधर बगल में ही ऐसे ही स्टोर जैसा दे दिया, थोड़ा सा जगह दे दिया है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ बहुत सारा सामान रखा हुआ है, देख नहीं पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे। अब हम इधर आते हैं। इधर रैक है, रैक दिया हुआ है, एक दो तीन उसके बाद चार रैक है। ये पानी है, पानी खरीद के लाना पड़ता है पीने के लिए। भी रैक है, बाकी ऊपर देख सकते हैं। अब हम किचन से हम और अंदर जाते हैं। पढ़ाई के लिए फुल व्यवस्था रखे हुए हैं। अब यहाँ पे एक
थोड़ा सा जगह है इसमें, यह स्नान घर बनाया गया है नहाने के लिए। सर हम बाहर निकलते हैं, अब हम आपको दिखाते हैं इधर सबसे पीछे। सबसे पीछे जाने के लिए ये दरवाज़ा है, इस दरवाज़ा से हम सबसे पीछे चले जाएंगे। यहाँ पे आप थोड़ा स्पेस देख सकते हैं, यह टाइप वन है। टाइप टू का जो हम वीडियो बनाए थे उसमें आप स्पेस देखे होंगे, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए पीछे थोड़ा ही स्पेस है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। यहाँ पे आप कपड़ा सुखा सकते हैं। अब हम देखिए ये दिखाते हैं, इसमें पानी भरने के लिए है लेकिन फ़िलहाल ये खाली है, लेकिन इसमें पानी भरने के लिए बनाया गया है, इसमें पानी रहता है। ये ढका गया है, मान लीजिए इसमें यहाँ पे नीम का पेड़ है, इधर बगल में नीम का पेड़ का पत्ता गिरता रहता है, इसीलिए ढक दिया गया है ताकि उसमें पत्ता ना जाए। देखिए नीचे भी बहुत सारा पत्ता बिखरा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एलोवेरा लगाया गया है, खुद से लगाया गया है एलोवेरा ये। और इधर देखिए पीछे देख सकते हैं ये शौचालय है। यह यहाँ पे एक पाइप आता है, यह पाइप से पानी भर दिया जाता है। इसको परमानेंटली लगा दिया गया है ताकि इसमें जब भी पानी आए तो यह पानी भरा जा सके इसमें। और यह जो दरवाज़ा आप पीछे देख रहे हैं सबसे लास्ट का दरवाज़ा है, खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे कुछ खास नहीं है, सिर्फ पाइप वगैरह पानी का इधर आप देख सकते हैं और नाली देख सकते हैं पीछे। अब इस दरवाज़ा को हम बंद कर देते हैं। सबसे पीछे आप देख चुके कि किस तरह से बना हुआ है, अब हम फिर वापस हम बाहर चलते हैं। यहाँ से बाहर निकलते हैं जहाँ से हम चले थे। चलिए ये सब हम दिखा चुके हैं आपको। किचन रूम भी अच्छी तरह से आपको हम दिखा चुके हैं। और यहाँ पे मेन जो रूम है सोने के लिए, ये भी हम आपको अच्छी तरह से दिखा चुके हैं। निकलते हैं बाहर। अब रेलवे क्वार्टर्स से हम बाहर निकल चुके हैं, जो भी आपको दिखाना था हम दिखा दिए। अब बाहर से एक बार और देख लीजिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया है इसलिए आपसे हम विदा लेते हैं। दोस्तों आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। उसमें आप कमेंट कीजिएगा आपको जानकारी कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।